सो गाइस गुड मॉर्निंग, और अभी मॉर्निंग 6 बजे हम लोग ट्रैकिंग के लिए आ गए हैं। यहाँ से अभी तो बारिश का मौसम हो रखा है काफ़ी ज़्यादा, और रास्ते में हो सकता है हमें कीचड़ भी मिले, बट ट्रैकिंग अभी स्टार्ट करते हैं। मेरे पीछे जो आप खूबसूरत सी नदी और उसके पीछे एक खूबसूरत सा पहाड़ देख रहे हैं, यात्रीगण की टीम अभी उसी पहाड़ में ट्रैकिंग करने जा रही है। यही है वो घनघोर रास्ता। बहुत रफ्तार से आगे जा रहे हो, धीमा चल लो थोड़ा बहुत, बाकी टीम को भी साथ में कवर करने दो हैं कि जिम जाके बिल्कुल अभी सारे हाथ पैर खुल गए हैं। बहुत तेजी से भागे जा रहे हो तुम तो। सो अभी जंगल में घूमते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? इट्स वेरी नाइस एंड रिफ्रेशिंग। अच्छा, तो मतलब आज आप पूरा कार्डियो करने वाले हैं? जी बिल्कुल। अभी यहाँ टॉप पीक में पहुँचने के बाद हम लोग सनराइज होने का वेट कर रहे हैं, और यहाँ से इतना खूबसूरत नज़ारा हो रहा है कि ये आंखों देखे ही बनता है। चारों तरफ आपको सिर्फ हरियाली हरियाली दिखाई देगी। ये क्या भाई, रास्ता बनाते हुए जंगल में? Yes. तो अभी कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अब चलेंगे अपन नदी। अच्छा। Yes. तो अभी फाइनली पूरा ऊपर तक ट्रैक करने के बाद हम दोनों यात्रीगण की टीम पहुंच चुकी है, और हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि सनराइज देखने को भी मिल गया। तो भाई अभी लड़के ने पहली बार में ही बिना रुके अभी ऊपर तक ट्रैकिंग कर ली है, अभी आगे की ओर चल रहे हैं हम लोग। देखते हैं क्या मस्त मस्त व्यू देखने को मिलेंगे। सनराइज तो हमने देख लिया है, अभी बहती हुई नदी का पानी भी देखने वाले हैं, और रास्ते में रुक के अभी कुछ ब्रेकफास्ट भी करेंगे। मर्दे बढ़ा लो, मर्दे कौन दिक्कत बड़ा, और तेज बढ़ा लो, और तेज बढ़ा लो। अभी हम पानी की टंकी के पास पहुंच चुके हैं, और इसी पानी की टंकी से इस सारे गांव में पानी सप्लाई होता है, और ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है यहाँ पे, नेचुरल फिल्ट्रेशन प्रोसेस। और ये पानी की टंकी यहाँ पे बनी हुई है, अभी इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी भरा हुआ है। तो डोंट ट्राई टू स्विम, आपको नहीं आता है तो इट विल बी रिस्की फॉर यू। और अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि गांव में नेचुरल फिल्ट्रेशन प्रोसेस किस तरीके से की जाती है। तो लेट्स कम विथ मी। पहले नेचुरल तरीके से वाटर फिल्ट्रेशन करके सारे गांव में सप्लाई किया जाता था, तो उसमें बेसिकली जो बड़े पत्थर होते हैं उसके बाद ये जो छोटे पैबल्स होते हैं इसको डाला जाता था, और लास्ट में बालू को डाला जाता था, जिसके कारण वाटर की जितनी भी इम्प्योरिटी होती थी, जितनी भी अशुद्धियाँ होती थी, वो फिल्ट्रेट हो जाती थी, और नेचुरल तरीके से वाटर को फिल्टर करके सारे गांव में पीने के लिए सप्लाई किया जाता था। आप भी पहुंचो, ये कॉमन चीज़, लोगों को अपना नाम लिखने की आदत बहुत ज़्यादा होती है। मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल प्लेस में लोग अपना नाम लिख के चले जाते हैं जैसे कि वो अमर होने वाले हैं। आई डोंट नो वाई पीपल डू दिस। कि रास्ते में सोचा कि रुक के थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो अभी यहाँ पे बारिश होने के कारण हम जंगल में कहीं आग तो लगा नहीं रहे हैं।
आगे की ट्रैकिंग करनी है भाई? बिल्कुल पूरी कंप्लीट करके तो जाएंगे। बूस्ट हो जाते हैं अभी कॉफी पी के। तो लो ब्लैक कॉफी बनाओ, फिर नज़ारे लिए जाएं जरा ब्लैक कॉफी के। और ये सतपुड़ा फॉरेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच जंगल में हम लोग हैं। यहाँ पे खाने का भी निकाल लिया जाए भाई। ये मॉर्निंग में भाई ब्लैक कॉफी पीने के बाद अभी रिचार्ज होने वाले हैं। और ब्रेकफास्ट में चने ही लाया हूँ मैं। इसी रास्ते से अभी हम लोग उतरने वाले हैं और देख सकते हैं बारिश के समय यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हरियाली हो रखी है और जंगल में काफ़ी ज़्यादा हमें कीचड़ भी मिला। बट अभी इसी रास्ते को हम फॉलो करते हुए दूसरी डायरेक्शन में नीचे उतरने वाले हैं। तो यात्री अपना पैर धीरे धीरे जमाते हुए नीचे की ओर अग्रसर और रास्ता बनाते हुए उनको फॉलो करता हुआ मैं और मेरे साथ ये कैमरा। वो रास्ता गलत जा रहे हो सर आप। रास्ते की ट्रैकिंग के लिए मेरे पार्टनर ने सागौन की लकड़ी तोड़ ली है यहाँ पे, जो कि अभी हमें ट्रैकिंग में हेल्प करने वाली है। और अब हम आगे की ओर अग्रसर होते हुए, तो गाइड साहब रास्ता बताते जाना। और अभी बारिश का घनघोर मौसम हो रहा है यहाँ पे। आप थोड़ा नीचे ध्यान लेके चलना। बिल्कुल कैमरे से ध्यान रखना। हाँ, ये अभी इस तरीके की हमको, हमने जो चढ़ाई चढ़ी थी वहाँ से अभी हमको उतरना है और डंडे का सहारा लेते हुए हम लोग धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ता बहुत ही डेंजर है यहाँ पर। रास्ते में कई सारे अजगर, सियार, शेर ये भी देखने को मिलते हैं। तो पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग अभी बहुत कुछ लेके जा रहे हैं यहाँ पे बचने के लिए। जंगल की इस खूबसूरती में ये छोटी छोटी तितलियाँ यहाँ पे आपका मन जरूर मोहने वाली हैं। हमारे गाइड अभी जंगल में चलते हुए आपको टिप दे रहे हैं कि इस तरीके बरसात के मौसम में किस तरीके से रास्ता बनाएं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर होता है इस टाइम पे। और इस तरीके से रास्ता बनाते हुए पहले आप आगे का रास्ता देख लें, कहीं रास्ते में कुछ है तो नहीं, ये बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है। इसीलिए हमारे गाइड आगे आगे रास्ता बना रहे हैं और पीछे पीछे हम उनको फॉलो कर रहे हैं। चलते हुए हम रास्ते में तो यूं ही चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे गाइड सतर्क करते हुए हमें रास्ते में, आप अभी इस मकड़ी के बहुत भयंकर जाले को नग नाखों से नहीं देख पाएंगे, लेकिन गाइड ने हमारे देख लिया। क्योंकि जंगल में कुछ इस तरीके के कीड़े यदि आपको काट देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है। तो गाइड को थैंक यू बोलते हुए हम लोग बहुत ही ब्यूटीफुल सीन के पास आप लोग पहुँच चुके हो। और यहाँ से जो चीज़ अभी हम इंजॉय कर रहे हैं, जिस व्यू को, सिनेरिक व्यू को जो हम इंजॉय कर रहे हैं, उसे मैं आप लोगों के साथ दिखाने वाला हूं। और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आप सतपुड़ा के ट्रैकिंग को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और साथ में जब इतने बेहतरीन गाइड हों जो कि आपको रास्ते में बिल्कुल पग पग में आपको बचाते हुए चलें, तो यू विल इंजॉय द जर्नी। इस तरीके से जब जंगल में आप ट्रैकिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रास्ता ढूंढना। और यदि आप रास्ता ढूंढ लेते हैं तो आप बहुत ही इजीली निकल सकते हैं। तो हमारे गाइड रास्ता ढूंढते हुए, मैं तो बस आज उनको फॉलो कर रहा हूँ, और इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से जहाँ पर हम फंस गए थे वहाँ से रास्ता को ढूँढ निकाला है। और यहाँ से अभी हम लोग आगे की ओर फिर से बढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। तो मेरे साथ आप रास्ता भी देखते जाइए, क्योंकि यहाँ से फिर हम लोग ट्रैप हो गए। ज़रा संभल के मुझे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी मिट्टी हो चुकी है। बहुत आराम से गाइड साहब, आराम से आपको ही मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं भी बचा भी गिरते हुए, तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से चलें और
अभी हम पगडंडी को पहुंच ही चुके हैं। फाइनली ये पहाड़ की ट्रैकिंग तो कंप्लीट हो गई है। किसी को फेंक रहे हो जिसने तुम्हें जंगल के रास्ते उतारा। जंगल की अमानत जंगल, जंगल की अमानत जंगल में। बहुत बढ़िया। ये देखो, ये एक इन्होंने यहाँ पे लेसन दिया है। कुछ लोग होते हैं जो जंगल से लकड़ियाँ चोरी करके ले जाते हैं। इन्होंने बोला जंगल की अमानत जंगल में रहना चाहिए। ऐसे गाइड हो जो कि नेचर से इतना प्यार करते हों। और हमारे मक्के की खेती हो रही है और अभी मक्के से लहलहाता हुआ ये खेत। पगडंडी मिली है लेकिन रास्ते में काफ़ी ज़्यादा अभी कीचड़ हो गया है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और नेक्स्ट डे ही हम ट्रैकिंग के लिए निकल गए हैं। तो पगडंडी के साइड का और ये अभी आप देख सकते हैं जो कि मक्के की खेती। अभी मैं बता रहा था आपको यहाँ पे मक्के की खेती हो गई है। तो अभय, आपने ट्रैकिंग के लिए क्या प्रिपरेशन की थी, क्या सीखा आपने? तो अभी जैसे ट्रैकिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है उसमें ये है कि आपकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि आप कहाँ जाने वाले हो। साथ ही साथ अपने साथ एक बैग कैरी करें, उसमें आपकी नेसेसरी चीज़ें जैसे पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि मोस्टली लोग ट्रैकिंग में जाते हैं और पानी भूल जाते हैं। हॉट वाटर वैसे तो ज़्यादा अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी मौसम ऐसा है, यदि आपके पास हॉट वाटर है तो एटलीस्ट आपको बूस्ट मिलता रहेगा। और अपने साथ में कुछ खाने के लिए नेसेसरी चीज़ें लेके जाएँ और चलने के लिए एक स्टिक साथ में ज़रूर रखें। और जैसे कि आप जंगल में जा रहे हैं तो जंगल में जाते हुए आपको, क्योंकि जंगल में काफ़ी सारे वन्य प्राणी एक साथ मिल सकते हैं आपको और ये बारिश के सीज़न में काफ़ी ख़तरनाक भी होता है, तो उस टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। रास्ता बनाते हुए पहले रास्ते को समझें, देखें और उसी के अनुसार आगे बढ़ें। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है।